अनदर हॉल वीडियो। सो आज का ये वीडियो होने वाला है एक पर्पल हॉल वीडियो। तो मैंने इसमें काफी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं। तो चलिए मैं गाइस अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी मैंने इस वीडियो में प्रोडक्ट दिखाए हैं ये गुड वाइब्स ब्रांड के हैं और ये काफी अफोर्डेबल रेंज में है। ये हर स्किन टाइप पे सूट करते हैं और ये काफी नेचुरल प्रोडक्ट हैं और सल्फेट फ्री हैं, पैराबिन फ्री हैं और क्रूटली फ्री हैं। तो चलिए गाइस अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया है और मैं अब अपने हेयर्स को टाई करूँगी और फिर मैं अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करूँगी। गाइस गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और ये प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली भी हैं और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश का। मैं यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। गुड वाइब्स की सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है तो आप नीम वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, जिनकी ड्राई स्किन है वो ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपने फेस को अच्छे से मसाज करके अपने फेस को वॉश कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग का। मैं यहाँ पे ब्राज़ीलियन वॉल्केनिक ग्रीन क्लियर स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को डेली स्क्रबिंग नहीं करनी है, आप हफ्ते में सिर्फ दो ही बार स्क्रब करें। पर ये वाला जो स्क्रब है इसके ग्रैनुल्स बिल्कुल भी हार्श नहीं है, इसके दाने बिल्कुल छोटे छोटे हैं। आप चाहे तो हफ्ते में इसे 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो हार्श वाले स्क्रब होते हैं उसे आप हफ्ते में दो ही बार यूज़ करें। और आप इसे फर्स्ट टाइम में यूज़ करके आपको इंस्टेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप डेली अपना स्किन केयर रूटीन अच्छे से करते हो तो वह हमारे चेहरे पे अच्छे से ग्लो करेगा और हमारे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। स्क्रब को आपको अपने फेस पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स या ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आप वहाँ पे स्क्रब करें, फिर उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक का। मैं यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। आप जब भी स्क्रब करोगे तो आपको पैक लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने अभी अभी अपने फेस को क्लीन किया है और आप अपने पोर्स को ऊपर नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज आपके पोर्स में अगर डर्ट जाएगा तो आपको ब्लैक हेड्स और पिंपल का इशू हो सकता है। इसलिए जब भी आप स्क्रबिंग करें तो उसको क्लोज करने के लिए फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी है। गुड वाइब्स के बहुत सारे फेस पैक आते हैं, ये चारकोल वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। फिंगर्स की हेल्प से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं या ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस फेस वॉश को 15 मिनट्स रखूँगी अपने फेस पे, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है, फिर मैं अपना फेस वॉश करूँगी। अब नेक्स्ट जो है वो है फेस टोनिंग की। मेरे पास यहाँ 2 फेस टोनर हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ। गाइस टोनर ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज जब भी आप अपना स्किन केयर करते हो तो टोनर यूज़ करने से आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं और आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेटिंग लगती है। लास्ट हम यूज़ करेंगे फेस सीरम। तो ये है टी ट्री प्लस मलबरी फेस ग्लो सीरम है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट सीरम है। हमें इस सीरम की 2 या 3 ड्रॉप्स लेनी है। इसे भर भर के नहीं लगाना है, ये क्रीम की तरह नहीं, ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और इसे लगाने के बाद हल्का सा ग्लो आ जाता है। लास्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे गुड वाइब्स की विटामिन ई क्रीम। ये काफ़ी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसलिए आप सीरम यूज़ करने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और हल्के हाथों से मसाज करूँगी। ये काफ़ी रिलैक्सिंग है।
तो गाइस ये था मेरा विंटर स्किन केयर रूटीन। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।